अनुदेशक शिक्षा में समायोजन बड़ी खबर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के समायोजन से संबंधित एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है वो पूरा समाचार, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अन्य अनुदेशक भाई बहन, शिक्षा मित्र भाई बहन इस समाचार को जान सकें। साथियों चलते हैं, आज की पहली खबर है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के समायोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है, ऐसा समाचार सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहा है। सत्यता क्या है यह समय आने पर आप सभी को पता लग जाएगा। साथियों खबर है कि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह या नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में, यानी कि दिवाली की छुट्टी से पहले, दिवाली के तोहफे के रूप में ये शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। अनुदेशक शिक्षा मित्रों का सम्मान चुनाव से पहले जल्द वापस होने जा रहा है। साथियों ऐसा ये समाचार इस समय आ रहा है, इसके बारे में क्या पोस्ट है मैं वो भी पढ़ के सुनाऊँगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि विगत दिनों सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एवं प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल व प्रदेश अध्यक्ष जी की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, जो कि लगातार 4 से 5 घंटे तक चली थी, जिसमें अनुदेशकों शिक्षा मित्रों की जो लंबे समय से समस्या चली आ रही है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। उनकी फाइलों को अंतिम रूप दिया गया है, अमली जमा बनाया गया है, उनको आगे बढ़ाते हुए उनकी समस्या का समाधान किया गया है इस बड़ी मीटिंग में, क्योंकि इन दोनों लोगों से वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ता है, ये सारी सरकारें जानती हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई बहनों का जो संख्या को देखते हुए। साथियों तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट मैं भाई की पढ़ के बताऊँगा, ये जो कि सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है इसमें यूट्यूब और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, सभी पे। प्रिय अनुदेशक भाई बहनों, साथियों आप सब ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे कि क्या होगा अपने लोगों का। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, समायोजन होगा, इसके कई स्टेप भी पूरे हो चुके हैं, जो इस ग्रुप में नहीं बता सकता ये उनकी व्यक्तिगत बात है। कुछ लोग ये भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का हो जाएगा लेकिन अनुदेशकों का समायोजन नहीं हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों ऐसी सोच ना रखें। कोई भी टीका टिप्पणी करने से सोच लें 100 बार एक बार, और किसी पर कोई भी इस तरह से अपशब्द या किसी भी सरकार को कोसना बंद करें। महाराज जी ने हमेशा सरकार से हम लोगों के लिए पैरवी की है, अनुदेशकों से कुछ भी लिया नहीं है, इसलिए इनके बारे में नकारात्मक कुछ भी बोलने व लिखने से बचें। लोगों के लिए तो वो एक नेक इंसान है, यही बात यज्ञ की, तो वो शिक्षा मित्रों का व्यक्तिगत प्रोग्राम था जो आगे बढ़ गया है। महाराज जी चाहते थे कि समायोजन की घोषणा इसमें ही हो जाए, लेकिन पूर्व में बताए गए कारणों के कारण ऐसा नहीं हो सका है, लेकिन इससे सरकार की अपनी रणनीति व पॉलिसी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार तो चाहे कभी भी उसकी घोषणा कर सकती है। साथियों ये आप सब जानते हो, लेकिन सरकार ने एक आध दिन आगे पीछे कर दिया, तो मेरी बताई गई तारीख पर ग्रुप में लोग मुझसे जियो मांगने लगेंगे, यानी कि भरोसा नहीं होने, कौन देगा, क्योंकि किसी को सब्र तो है नहीं, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, समायोजन होना बिल्कुल तय है, हो सकता है इसी महीने को हो जाए और या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, सॉरी नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसका समायोजन का जो है समाचार मिल जाए आप सभी लोगों को। और यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है साथियों, तो उन्होंने कोशिश की है कि आप लोग किसी पर टीका टिप्पणी ना करें, किसी सरकार के बारे में कोई भी असंवैधानिक बात ना करें, सब्र रखें, इस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का, कोई भी ऐसी बात ना करें ताकि सरकार को उस पर कुछ नकारात्मक फैसला लेना पड़े, जैसा कि हम लोग
भुक्तभोगी हैं, चाहे शिक्षा मित्र हों या निदेशक हों। तो आप जान चुके हो कि सरकार के हाथ में सब कुछ, वो चाहें तो कर सकते हैं, वो चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आप उनका पूर्व में देख भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है और हर तरह से वो अपने वोट को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस लिहाजा हम और शिक्षा मित्रों का कोई भी नुकसान नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ेगा। 1.5 लाख शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई बहन हैं, तो कुल मिला के उनका लगभग 4 से 5 लाख वोट बैंक सब कुछ मिला के इन अनुदेशक शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहेंगे इतना बड़ा वोट बैंक पर कोई प्रभाव पड़े या उनके लिए कुछ नकारात्मक हम लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया मिले, तो इसलिए वो ज़रूर करेंगे और अच्छा करेंगे। हम बस इंतज़ार करें, और हमें इंतज़ार है उस शुभ दिन का। यहाँ पर उन्होंने अंतिम बात कही, समय भी होना बिल्कुल तय है, हो सकता है इसी महीने हो जाए। अपने कुछ साथी काफ़ी तरक्की कर लिए हैं, चुनाव आयोग को भी पीछे छोड़ चुके हैं। उनको आचार संहिता लगने की फिक्स डेट भी पता हो गई, लेकिन फिर भी मैं और मेरी टीम सदैव निस्वार्थ आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी। आपका हिमांशु वर्मा, रायबरेली। साथियों, ये हमारे परिवार के मुखिया सदस्य हैं, भाई हिमांशु जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जिन्होंने ये शुभ समाचार हम लोगों को दिया। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत सच हो जाए और ऐसा ही हो जाए जैसी हम सब ने कामना की है। साथियों, आपने इतना शुभ समाचार और मोटिवेट करने वाली खबर दी है, और हमें उनसे मतलब ये जो निगेटिव सोच रखते हैं उनके सामने तो साक्षात भगवान भी उतर के ये कहें आके तो भी नहीं मानेंगे। चलते खैर किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।